गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बर्तमान आम डिस्कस करने जा आज जो ओटीट रे जस्ट जो सरी ओटीट पेपर वन मैथ पेपर पर पूर्व केवल 15 सेकेंड रोटे कथ कहना चाहिए जो मैंने अदर भिड गुड़क चाहूँगी से मैंने निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को प्रेस करूँ ता सहित आमर जो मैंने डिस्कसन कर सारापर जो मैंने जानते हैं कि नाई से कटअप्रे निश्चित भाव मुझे चाहिए समस्ते कटअप क्लीयर करते कटअप जो मैंने भी क्लीयर करेंगे आम पांच तारीख स्टार्ट हो जेटी और आर एस टी बैच समस्त अनुरोध करी से आसिक आराम से कन्सेप्टल पे बेसिक लर्निंग गोटे बैच रे जॉइन करूँ जहाँफल कि हेल्प कर जेटी क्लीयर करने बर्तन आम जी देखा एवं 101 फास्ट क्वेश्चन पे अच्छी मैथमेटिक्स पेपर वन बर्तन देखा बहुत पे मैंने या अपे करेंगे तो देखा फास्ट क्वेश्चन आंसर पे कौन हो पार प्रथम क्वेश्चन पे देखने दे दीजिए 6.25 इट्स ए सिंप्लीफिकेसन क्वेश्चन 6.25 गिवेन दे दीजिए तो यहाँ लिख दे पारे 625 बाय डिवाइडेड बाय कैसे लिख पारे 100 सिंपल वे रे मुझे सॉल्व करी तापर के लिख पारे 625 डिवाइडेड बाय पे एक रे कितना जीरो आसो पे ना 3 जीरोस आस बर्तमान देख 625 डिवाइडेड बाय के पे 100 यू जब टी कैनसल करी 100 स्क्वायर रूट 10 पुणी गोटे जीरो रही जाए तो कैसे आसो पे 10√10 क्या तीन टा दस ये रही जाए दुटा 10 को 625 रे के 25 तो ये लिख देपरि के 25 रे कैनसल कले आसो 25 चौ 100 4 कैनसल कर कि 2 रे कैनसल कर देखनी 2.5 अलरेडी अच्छी 2 रे कैनसल कले 4 रे कैनसल कले ये आज 2.5 आंसर मस्ट भी के 2.5√10 तो जो मैंने 101 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन 2.5√10 करेंगे से मैंने निश्चित भाव में एक मार्क अवार्ड पाए या तो नेगेटिव मार्किंग ना तथापि समस्ते चेक कर नियंतु जे 101 नंबर क्वेश्चन आंसर पे कौन रही ना 2.5√10 ठीक अच्छे एवं जी पे 102 नंबर क्वेश्चन को यहाँ मुझे अलरेडी कही सिंप्लीफिकेशन निश्चित भाव क्वेश्चन आसो तो निश्चित भाव क्वेश्चन भी आसी बहुत बढ़िया कथा एवं जी पे क्वेश्चन नंबर देखनी ए 2 डिजिट होल नंबर यहाँ गोटे भी पे नंबर सिस्टम क्वेश्चन कहले भी अत्युक्ति हेनी ए 2 डिजिट होल नंबर इज इक्वाल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट तो बर्तमान देख 2 डिजिट होल नंबर केमती नवा पे ना आम जाने 2 डिजिट होल नंबर को नहीं पारि 10x+y ठीक अच्छे तो यहाँ से कौन कही दीजिए पे इज इक्वाल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट तो 4 टाइम्स पे टे इरेज करवा ये 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट यटा को इरेज करने बर्तमान देखनी इज इक्वाल टू पे 4 टाइम्स द सम ऑफ 4+x+y सम ऑफ इट्स डिजिट ये जिनस दे दीजिए इफ द प्लेस ऑफ द बोथ द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन हाउ मच टाइम्स द वैल्यू ऑफ द न्यू नंबर विल बी कंपेयर टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ 2 डिजिट्स बर्तमान देखनी यू आम सिंप्लीफाई करदे 10x अच्छी 4x माइनस नहीं आस 4x ये 4y अच्छी एपटे पे वाई अच्छी एपट गले -y हो तो बर्तमान देखनी 6x इज इक्वल टू 3y तो वाई के आसो पे ना 2x तापर से सेकेंड लाइन ने पे कौन गिवेन देख इफ द प्लेस ये गोटे कन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे इफ द प्लेस ऑफ द बोथ द डिजिट इंटरचेंज प्लेस ऑफ द बोथ द डिजिट तरह 10x+y थी इंटरचेंज कर देते कैसे 10y+x है ये नुआ नंबरटा आसा द न्यू नंबर विल बी कंपेयर टू द सम ऑफ 2 इंडिविजुअल तो x+y रे टाइम्स हम पे आमको तो वाई आउ एक्स रंपेयर जना पड़ गला कैसे आस तो 10y जगह मुझे 2 पुट करदेवि तो 10y जगह 2 पुट कले 10 × पे कैसे कर दे पारे 2x+x 20x+x के 21x x+y तो x+y मैंने वाई जगह के पुट कर दे 2x तो x+2x के 3x देख 3x समटा ये जो इंटरचेंज है कि न्यू नंबर टा आसला से न्यू नंबर टा सम रो केते टाइम्स होची पिले ना 7 टाइम्स होची 3 × 7 = 21 एटा केते टाइम्स होची पिले 7 टाइम्स होची तो निश्चित भाव रे 102 नंबर क्वेश्चन रो आंसर सब माने पिले सी ऑप्शन को क्लिक करथिबे डेफिनेटली से माने एको मार्क रो आंसर निहाती भाव रे पाइबे बर्तमान जिया पिले क्वेश्चन नंबर 103 देखिबा देख 103 इट्स ए सिंपल क्वेश्चन पे दे √10 टाइम्स ऑफ एटे भी गोटे नंबर सिस्टम कही नंबर सिस्टम बहुत गुड़े क्वेश्चन आसो तुम भल भाव देखियार अच्छे द वैल्यू ऑफ √10 टाइम्स √15 सपोज 5 टाइम्स मुझे कहली 5 टाइम्स ऑफ 6 दे दीजिए तो 5 टाइम्स ऑफ 6 मैंने 5 × 6 तो √10 टाइम्स 15 तो √10 टाइम्स 15 मैंने √10 × √15 तो बर्तन यार वैल्यू के 150 150 टाक केमती पे सिंप्लीफाई करेंगे मत सब कन्वर्ट कौन करने पड़ो ना गोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मल्टीपुल कन्वर्ट करने कर तो 2500 के 150 हाँ ना नहीं 2500 150 25 स्क्वायर रूट के 5 आ 6 स्क्वायर रूट के √6 तो आंसर मस्ट भी के 103 नंबर बी
दैट इज योर पिले के ना 5√6 तो 103 नंबर क्वेश्चन रो आंसर जो मैंने ऑप्शन बी क्लिक करथिबे डेफिनेटली से मैंने गोटे एक मार्क रो आंसर पिले निहाती आवर पाइबे। तो 103 नंबर क्वेश्चन होउछि कोन बी। मु चाहेबि समस्त पिले आकु टिके भलो भाबरे फॉलो करंतु जाफर के से मैंने चेक करि परिबे जे केतरा आंसर कोन का केत जनक ठीक अछि। एबे देखिया पिले क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन देखो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। पिले जो सिमेट्री कथा कहिछि एटा कौन ना सिमेट्री कॉन्ग्रुएंस से सब कथा किसी कहनी ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री कही मैंने जदि सपोज पे मुझे यही भाई स्क्वायर नहीं गली यू लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहना यार पार्ट जी यार पार्ट से तो ये केतटा लाइन्स ऑफ सिमेट्री आसपार केतटा लाइन्स ऑफ सिमेट्री आसपार कंटिन्यू चलती तो केतटा पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री आसपार बर्तमान देखनी ये जो पार्ट गुड़ाक ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री आसपार ना ना यहाँ जहाँ एपट से याद भी गोटे आसपार ना ना याद भी गोटे आसपार ना ना आपरे केतरा आज पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री केतरा होगा तीन टा ये सर नापर आउ लाइन्स ऑफ सिमेट्री केतरा रही गला बर्तमान देख ये गोटे लाइन्स ऑफ सिमेट्री रही गला चारटा एठ गोटे लाइन्स ऑफ सिमेट्री रही गला पांचटा एठ गोटे लाइन्स ऑफ सिमेट्री रही गला छटा तो ये हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक आर दे आर प्रेजेंट इन द डायग्राम तो केतरा आज पे छटा तो डेफिनेटली छटा ही सिमेट्रिक डायग्राम ये आसो जो छटा पॉइंट रही जाइए 1 2 3 4 5 6 आउ गोटे प्लेट रही जाइए तो ये जो पार्ट रे रही गोटे दीटा तीन टा छटा छटा ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री बर्तन के लाइन नहीं जाए देखनी 1 2 3 आउ थे देखी दूँ आउ थे तुमको पे कहीदे यहाँ सपोज हो गला लाइन्स ऑफ सिमेट्री के आसो ये आसगला गोटे ये पे आसगला केतटा दीटा ये पे केतटा आसगला तीन टा लाइन्स ऑफ सिमेट्री आउ केतटा आस चारा पांचटा छटा तो छटा ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री पे ये आसीज तो केयरफुली के 104 नंबर ऑप्शन ना आंसर के पारे बोले ना क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी 104 नंबर ऑप्शन सब जो मैंने सी क्लीयर करेंगे डेफिनेटली दे विल फाइंड ए क्वेश्चन फॉर इट एक मार्क निश्चित ही मिले। बर्तमान 105 नंबर क्वेश्चन पे देखनी 105 नंबर क्वेश्चन ये देखने के इट्स ए पे सीरीज क्वेश्चन देखिए देख 8 48 देख इनक्रीज हो डिक्रीज होने ये डुआल सीरीज अच्छी गोटे इनक्रीज हो गोटे कौन हो डिक्रीज हो तो 8 16 मल्टीप्लाई के 2 करी 16 32 के 2 करी तो ये देख कौन है 48 96 गोटे पर गोटे स्किप करके देख डुआल सीरीज ये 48 जदि मुझे 2 मल्टीप्लाई करी के 96 हाँ ना तो 96 रे नेक्स्ट टर्म बाहर करेंगे पहले 96 × 2 के 100 हाउ मच दैट इज योर 192 तो 192 आसी तो बर्तमान देखनी ऑप्शन ए 105 ऑप्शन ए आस 192 जो मैंने 105 नंबर आंसर ऑप्शन ए क्लिक करेंगे डेफिनेटली से मैंने ठीक आंसर पे निश्चित भाव चेक कर नियंतु 105 नंबर आंसर के ऑप्शन ए। बर्तमान जी 106 नंबर क्वेश्चन को देखा 106 नंबर क्वेश्चन गोटे कौन अच्छी ना इट्स ए पाइचार्ट रोटे क्वेश्चन अच्छी पे प्राय मोस्ट ऑफ दी एवं टॉपिक रे पाइचार्ट गोटे पार्ट स्टार्ट कला तो पाइचार्ट निहाती भावे समस्त देखिथे ये देख गोटे पाइचार्ट आसपार कि टेबुल आसपेड पाइचार्ट गिवेन देती द गिवेन पाइचार्ट सोज द स्पेंडिंग फॉर ए कंट्री इन वेरियस स्पोर्ट ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर हाउ मच मोर परसेंट स्पेंट इन हॉकी मोर देन गोल्फ पे गोल्फ रे केते परसेंट अच्छे 36% हॉकी रे केते परसेंट अच्छे हॉकी तो हाँ हॉकी अच्छे 63 तो ये परसेंटेज केते परसेंटेज मोर रो फॉर्मूला पे कौन अच्छी ना ऊपर सब्ट्रैक्शन 63 - 36 डिवाइडेड के 36 × 100 63 × 36 देख 27 आसी डिवाइडेड बाय 36 × पे 100 9 × 3 = 27 9 × 4 = 36 4 × 8 के 25 25 × 3 75% परसेंटेज मोर आउ लेस रो फॉर्मूला परसेंटेज मोर थिले ऊपर डिफरेंस डिवाइडेड लेस वैल्यू परसेंटेज लेस थिले ऊपर डिफरेंस डिवाइडेड बाय मोर वैल्यू तो डेफिनेटली केते परसेंट मोर हो पिले ना 75% मोर 36 रो 75% नहीं जाओ 27 ही हम 27 आड कले के 63 जो हॉकी सैन सामान रही है ठीक अच्छे तो 106 नंबर ऑप्शन के पे डी बर्तमान देखिए पे 107 नंबर 107 गोटे पे पेडागोजी क्वेश्चन अच्छी जोटा कि आम सत्य सर डिस्कस करेंगे ए विषय पेडागोजी मैथ पेडागोजी यहाँ भी तो 109 नंबर क्वेश्चन को जी देखा व्हाट विल बी द डिग्री वैल्यू मेजर्ड एटा गोटे भल क्वेश्चन अच्छी पे क्लॉक रो ठीक अच्छे क्लॉक क्वेश्चन टे देखा डिग्री व्हाट विल बी द डिग्री मेजर्ड ऑफ द एंगल फॉर्मड बाय आवर हैंड मिनिट हैंड एंड ए क्लॉक फॉर 12 hours 40 minutes पे देख गोटे देखनी ये आसगला 12 आवर ये 8 ना ये 8 थी पे
ये आसगला 12 आवर के मिनिट आस पे ना 40 मिनिट 12 आवर 40 मिनिट तो मैं आगे देखीदेवी पे 5 मिनिट्रे से कते आंगेल जाऊँगी ये सर नु तो जेहेतु 5 मिनिट लेखे आम जाने 5 मिनिट्रे के आंगेल क्रिएट कर 36 कहना यहाँ 5 मिनिट लेखा जदि टोटाल 60 मिनिट आस तो 60 मिनिट है 360 गोटे मिनिट्रे 60 कैनसल करते छः तो 5 मिनिट्रे के सरी 5 मिनिट से कैसे जाए 30 डिग्री तेल 8 पर्यंत आसी यही आंगेल कि आंगेल जो गोटे आंगेल से पचार तो 8 पर्यंत आसे 30 अंशा के कह 240 डिग्री आसवर ना किंतु गोटे कथ मन रखा ये एठिक आसला बेलू को ये कते आंगेल पे डिक्रीज कर देखा क्या 12 मैंने यहाँ 12 अच्छी 12:40 मैंने आड़क आस तो यही आंगेलटा के माइनस करार अच्छे तो ये 12:40 बेलू जो 4 टाइम्स पे एपटू पलि आस हाफ लेखा बेलू हाफ इंटू पे के 40 दैट मीनस 20 40 डिग्री पे 20 डिग्री एठू कौन कर माइनस कर 20 माइनस कले ये जना पड़ जाए आंगेलटा हूँ कैसे आंगेल के आसाला पे 240 जदि ए आंगेल 220 आसीगला आईदर ए आंगेल पचारिपे कि आंगेल पचार मिनिट हैंड आवर हैंड मिनिट हैंड भितर कही तो यठ 220 एटी ना 220 न हो 360 220 माइनस करदे के पे ना 140 डिग्री योर आंसर मस्ट भी के ऑप्शन सी तो यही टाइप रे क्वेश्चन क्लक रु आसपर जे के आवर में प्रथम कैलकुलेट करदे 8 पे मिनिट 8 फाइव मिनिट्स लेखा एपट आस 40 अच्छे जेहतु 240 आग करदेली तापर पे कौन करार अच्छी जे तुमको ये जो आवर हैंडटा के मुव कर 40 मिनिट्स कहीं गोटे पे मिनिट तुमको देखा पड़ो जे गोटे मिनिट्रे के कवर कर हाफ कवर कर हाफ आंगेल कवर कर 40 मिनिट्स के कवर कर डेफिनेटली कह 40 आसगला 20 20 मत कौन कर माइनस कर 109 नंबर क्वेश्चन आंसर जो मैंने पे 140 डिग्री क्लिक करेंगे डेफिनेटली से गोटे राइट आंसर पाए मार्क गोटे सिंगल मार्क आसो बर्तमान देख 110 नंबर यहाँ गोटे बढ़िया क्वेश्चन पे मैं सब बड़े कहे प्राय मोस्ट ऑफ़ द टाइम रे क्वेश्चन टी आसे एजुकेशनल एग्जाम एवं भी मुझे 2-3 दिन हम तापूर्व भी डिस्कस करी जे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ़ डायगोनल्स ऑफ़ ए पॉलीगन हैविंग 11 साइड 11टा साइड नंबर ऑफ़ डायगोनल फॉर्मूला पे कौन था ना एन ऑल इंटू एन माइनस 3 / 2 यहाँ मुझे कही तो बर्तमान 11टा साइड रहा 11 माइनस 3 के 8 / 2 2 रे कैंसल कले 4 11 चौक के 44 तो कितना डायगोनल रही पे 44 तो डेफिनेटली आदर क्वेश्चन आस 44 डायगोनल आम एठू पाई ठीक अच्छे पे 110 नंबर क्वेश्चन आंसर के 44 ए देखा 111 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन दे सबकीपर ब्लेंड्स ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ कौन दे पे 2 वेराइटीज ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ टी कॉस्टिंग चलुनि टे देखना इट्स नॉट वर्किंग दुटा टाइप वेराइटीज ऑफ पे टी अच्छे हाँ ना टे पे स्लो हो तथा देख तो गोटे हूँ 18 टका गोटे हूँ 13 टका 100 ग्राम ये 100 ग्राम अच्छे मतलब ना ये पे के आस जाऊँ ना ये पर 100 ग्राम को ये तो 18 टका लेखा तो 18 टका लेखा केसियो अच्छे 7 रेसियो तो 18×7 मत देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस पे सीपी बाहर करेंड्स 2 वेराइटीज ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट प्राइस सीपी बाहर कर प्लस पे ये 3 अच्छी 13×3 डिवाइडेड बाय केते आसे पले 7 + 3 = 10 मते डिवाइड करियार अछि 18 सता केते आसे पले 126 13 3 39 126 रो 39 ऐड कर 126 प्लस 39 डिवाइडेड बाय केते आसे पले 10 तो 365 आसे तो केते आसे 16.5 आसेला कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो एटी ऑलरेडी मेंशन कर दी छि 18.15 तो वर्तमान देखिनबा एटी जे 18. एटा मते प्रॉफिट परसेंटेज बाहर करै कहि छि तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट केते आस जिवो ना 18.15 माइनस 16.5 डिवाइडेड बाय केते आस जे पले कॉस्ट प्राइस ता होची 16.5 इनटू पले केते आस जे ना 100 तो एटा केते हो पले देखिनियो 18.15 रुटी सबट्रैक्शन टी भलर देखतो 16.5 अछि तो एटी 0 आसीला 5 11 5 गले केते आस जे 6 एटी 7 रु 6 गले 1 तो केते आस जे 1.65 तो 1.65 डिवाइडेड बाय 16.5 इंटू पे 100 ये कैनसल कले के 10 कहीं 10 मल्टीप्लाई कले ही 16.5 हम 10 ने 0-0 कैनसल कर दियो प्रॉफिट परसेंट के 10% बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी गोटे प्रॉफिट लॉस रो तो डेफिनेटली 111 नंबर क्वेश्चन ना आंसर कौन आसो पे ना 10% समस्ते पे जो मैंने 111 नंबर ऑप्शन पे डी क्लिक करते हैं डेफिनेटली से एक मार्क पाए बर्तमान पे जा 112 देख बर्तमान ट्राइंगल पलैसला एबी देख गोटे बार वाला क्वेश्चन मुझे अलरेडी
କାଲି ବି ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ବାର ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଦେଖ ଆସିଛି ଆଧିରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖି ନେବା ପିଲା ଏଠି କ'ଣ ଡାଟା ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିଲା ସଲ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଇନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଫିଗର୍ ବାଇସେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି ପିଲା, ବାଇସେକ୍ଟ, ଇଟ୍ ବାଇସେକ୍ଟ ପି ଏସ୍ଟା ବାଇସେକ୍ଟ କରିଛି, କାହାକୁ ନା ପି କୋଣକୁ ବାଇସେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। 70-30 ହେଉଛି କେତେ 100, ଇଏ ହେଉଛି କେତେ 80, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲା 40, ଏଇଟା ବି କେତେ ଆସିଯିବ 40। ଆଙ୍ଗେଲ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଙ୍ଗେଲ ଅନୁସାରେ 70-40, 110 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲା 70, ଆଉ ଏଇଟା କେତେ 40-30, 70 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ ନା 110, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା 70-70 ରହିଲା, 70-70 ହେଲେ ଏଇଟା ଯାହା ରହିବ ଏଇଟା ବି ସେୟା ରହିବ, ଏ ସବୁ ନୁହଁ। ସେ କାହା କାହା ଭିତରେ କହିଛି ପିଲା, ପି କ୍ୟୁ କହିଛି ଆଉ କ୍ୟୁ ଏସ୍ କହିଛି, କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏସ୍ଆର୍ କହିଛି, ଆ ଭିତରେ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା, ଏଇଠି ଦେଖିନେବା ଏବେ ପିଲା ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପି କ୍ୟୁଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଉଛି ପିଲା, ପିଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ପିଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏସ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଏଇଟା 70 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ତ ପିଏସ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲା, କ୍ୟୁ ଏସ୍, କାହିଁକିନା ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟା ବଡ଼, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କୋଣଟା ବଡ଼ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଗ୍ରେଟର ଆସିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରେଟର ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟା ୟାଠାରୁ ଗ୍ରେଟର ଆସିବ, ପିଏସ୍ଟା କାହାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ପିଲା, କ୍ୟୁ ଏସ୍ଟା, ତ ପିଏସ୍ଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଛି ଆକୋର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଭାଲ୍ୟୁ ପି କ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ପି କ୍ୟୁଟା ବି ଗ୍ରେଟର ହେବ କାହା ସହିତ ପିଲା, କ୍ୟୁ ଏସ୍ ସହିତ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ପ୍ରଥମେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର କହିଛି, ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ପି କ୍ୟୁ, ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି ପି କ୍ୟୁ ବଡ଼ ନା ଆଉ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆର୍ଟା ବଡ଼, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ ଏ କେସେସ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖିନିଅ ଯେ ପି କ୍ୟୁ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବି, ଆଗ ପି ଏସ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିନିଏ, 30 ଡିଗ୍ରୀର ଅପୋଜିଟ୍ ଏଇଟା ହେଉ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅପୋଜିଟ୍, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏସ୍ଆର୍ଟା ଗ୍ରେଟର ହେବ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଟର ଅଛି, ଏସ୍ଆର୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଯିବ ପିଲା, ପିଏସ୍, ଏସ୍ଆର୍ ଯଦି ପିଏସ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ଏସ୍ଆର୍ଟା କାହାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ପିଲା, କ୍ୟୁ ପି କ୍ୟୁ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏସ୍ଆର୍ଟା ପି କ୍ୟୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ପି କ୍ୟୁଟା କେଉଁଠୁ ରହିବ ପିଲେ, ଏଇଠି ରହିବ ଏସ୍ଆର୍, ତ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ତା'ପରେ ପି କ୍ୟୁ ତା'ପରେ ଏସ୍ଆର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଆସୁଛି ପିଲା, ଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା 112 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଏକ ମାର୍କ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କରିନିଅ, ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଙ୍ଗେଲ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ କୋଣ ବଡ଼ ଥିବ ସେ ବା ତା'ର ବିପରୀତ ବାହୁଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରେଟର ରହିବ। ତମାନେ ଦେଖିନିଅ, ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, 60 ଡିଗ୍ରୀର ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଖ, ଗୋଟେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କଲି, 120 ଡିଗ୍ରୀ ବାହୁରୁ ଅଙ୍କନ କଲି, ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ହେବ ନା, ଏ ବାହୁଟରେ ଏ ବାହୁଟରୁ ଗ୍ରେଟର ହେବ, ଡେଫିନେଟଲି ଗ୍ରେଟର ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଏ କନସେପ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପିଲା 113 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, 113 ନମ୍ବରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନିଅ, ଗୋଟେ ବାର ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ବାର ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେମିତି ଆସିବ। ଦେଖ ବାର ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି, 0.23 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା, 0.23 ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 23/ କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲା, ଦେଖ 99 ଆସିବ, ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ, ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ପିଲା ଦେଖ, 23/ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, 99+, ତା'ପରେ ଦେଖିନିଅ 23 ଉପରେ ବାର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ 3 ଅଛି, ତ 23-, ପିଲା କେତେ ଆସିବ, 02 ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ 02 ମାନେ 2 ହିଁ ମାଇନସ୍ କରିବି, ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ 90, ତ କେତେ ଆସୁଛି, 23/99 ପିଲା କେତେ ଆସିଯାଉଛି ନା, 21/ କେତେ ଆସିବ, 90। ଦେଖ ଆର ଲସ୍ଟା କେମିତି ନେବି, 9 ନେବି, 11 ନେବି, ତାହେଲେ 10 ନେବି, କାହିଁକି, କାରଣ 99 ପାଇଁ 9-11 ଦରକାର, 90 ପାଇଁ 9-10 ଦରକାର, ଏତିକି ତ ନେଇଗଲ। ତ ଏ 9 ସହିତ କଟିଲା 10, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ, 230+ 90 କଟିଗଲେ 11 ରହିଲା, 21/11 ଗୁଣ, 21/11 ଗୁଣିଲେ 21/11 231, ହଁ ନା ନାହିଁ, 231, ତ କେତେ ଆସିଯାଉଛି ଦେଖ, 461/ କେତେ ଆସିଯାଉଛି, 990। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲା ଏହା ସହିତ ସମାନ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି 465, ଏଇଠି ଦେଖିନିଅ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁ, ଏଇଟା ତ କମ୍ପାନୀ 46 ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 465, 465 କେତେ ମାଇନସ୍ କରାଯିବ, 4, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଏଇଟା ତ କେବେ ହେବନି, 465 ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ, ଏଠି 465 ପୁରୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ, 465ରୁ 4 ମାଇନସ୍ କଲେ ହିଁ କେତେ ଆସୁଛି, 461, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡେଫିନେଟଲି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 17 ନମ୍ବର 113 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କେତେ ଆସିବ ପିଲା, ବି ଡେଫିନେଟଲି, ଯେଉଁମାନେ 113 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ। ଭଲ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 114 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଦେଖିନିଅ ପୁଣି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଆଟ୍ ଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ 22%, ଦ ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ବିକମ୍ ଏତିକି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ବିଫୋର୍ ହାଇକିଂ ଦ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଜେନେରାଲ୍ ଜିନିଷ ପିଲା ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଏକ୍ସ, ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି 22, ତାହେଲେ 122, 20 ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, 120, 80 ଡିଗ୍ରୀ 20 ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ 80,
तो 22 इनक्रीज होती मैंने लिखी पड़े 122 डिवाइडेड बाय 100 यही प्राइस इनक्रीज प्राइस के 671 बर्तन देख एटा कौन पे कैनसल हम भल भाव देख ये गोटे फैक्ट अच्छी गोटे प्राइम नंबर कि प्राइम नंबर बहुत बड़ देख एगारे ये भावुँ एगारे कैनसल हो क्या 6170 कि एगारे तो कैनसल हम ना एगार के एगार बार आसी तो देख ये दुई के कैनसल कले 61 हो तो ये भी देख 61 कैनसल 61 दुनिया हूँ 122 ये 61 के 61 ये बड़ी पड़ा 661 तो एगार हूँ ना तो दुई के कैनसल के 50 है ना तो बर्तमान देख जदि 50 को मुझे एगारे गुणी एक्स इज इक्वाल टू 11 × 50 तो कैसे आज पे ना 550 तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर के 114 डी तो यही ऑप्शन टी पे क्लिक करूँ 114 नंबर ऑप्शन डी जो मैंने क्लिक करेंगे डेफिनेटली से मैंने एक मार्क निश्चित भाव पाइबे 114 नंबर बर्तमान जी पे 115 नंबर गोटे देख पेडागोजी मैथमेटिकल पेडागोजी क्वेश्चन डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड सिंथेसिस एनालिसिस ये भी देख इंडक्टिव डिडक्टिव तो यहाँ आम सत्य सारे डिस्कस करेंगे बर्तमान जी 117, 118, 119, 120 आज जमा 4 क्वेश्चन रहा देखने 117 नंबर क्वेश्चन रनसर टी देखने के आसर ए वर्ल्ड क्लॉक गेन्स 3 मिनिट टाइम एव्री 1 आवर इट इज सेट जे प्रति 3 मिनिट अधिका देखाए ठीक अच्छे आउ सी पे इट शोज आट द टाइम 2 PM लैटर आट द आफ्टरनून व्हाट इज द एक्चुअल टाइम अफ दि मोमेंट दुटा देखिए आफ्टरनून दुटा देखे तो एक्चुअल टाइम के घंटा को सी 3 मिनिट लेखा कौन कर गेन कर 3 मिनिट लेखा 1 आवर रे गेन कर देखने अच्छी रात 12 दिन 2 पर्यंत के समय हो तो ये 12 घंटा ये 2 घंटा के 14 घंटा है ना तो 14 घंटा तो एक्चुअली सी जा देखे सोच ये तो आग केतंटा जाइए बोले 11 घंटा जा 14 नुह 13 घंटा जाइए है ना नहीं गोटाए पर्यटन मुझे गोटाए पर्यटन काल्कुलेट कर 13 देखेले 13 गोटाए बेलू से कतेटा काल्कुलेट करते समय गोटे ही थोड़े काल्कुलेट कर गोटाए 39 ना ना डेफिनेटली गोटाए बेलू से गोटाए 39 देखे थोड़ा ना किंबा दुटा बेलू को देख गोटाए बेलू गोटाए 39 देखेला आउ दुटा सोच कर दीजिए है ना दुटा सोच कर मैंने मुझे गोटाए पर्यटन देख ली 13 × 39 हो गला बर्तन देखी आउ ये ऑप्शन अच्छे गोटाए पर 20 मिनिट और 30 मिनिट 20 मिनिट 20 मिनिट के शो कर देखा केत पे लेस अधिका देखा ना 39 मिनिट पूरा मोर देखा तो आउ जदि 20 मिनिट 20 बाई के घंटा कहे 3 है 20 बाई 60 कहे 3 तो 3 कैनस कले 1 मिनिट तो 1 मिनिट से देखा मैंने कौन आड अधिका एक्सट्रा आड कर 40 तो गोटाए 20 बेले ही देखनी है 40 मिनट से लेस करुच्छे तो गोटाए 20 जो समय होती है से एक्जाक्टली के समय देखे पड़े 2 कहीं घंटा को 3 मिनिट तो 20 मिनट में कैसे मिनट गेन कर 1 मिनट गेन कर 39 होती है गोटे मिनट 40 होगा बेलू हो बुझे तो ऑप्शन थ्रू टे जाए चाहिए ये ट्राए कर ऑप्शन थ्रू जाए यहाँ तो कहते देखेबी कहीं अधिका देखो यहाँ ऑप्शन सरीगला ये 2 ऑप्शन ही देखिए गोटे 20 गोटे 30 तो 117 नंबर आंसर के लिए सी डेफिनेटली 117 नंबर आंसर के सी बर्तमान देखिए पे 118 नंबर यहाँ भल भाव देख पे गोटे टाइप रोटे क्वेश्चन देखिए भल क्वेश्चन देखिए ये बर्तमान आपको भावार अच्छे 6 पे कनग्रुएंस ट्राइंगल ये कनवर्ट कर ठीक अच्छे 6 कनग्रुएंस ट्राइंगल जदि मुझे यहाँ को एक्स नहीं गली यहाँ सब जहाँ एक्स नहीं क्या कनग्रुएंस देना तो ये कैसे आज पे 4x जदि वाई नहीं गली तो ये भी एक्स हम डेफिनेटली कनग्रुएंस अच्छी तो या एपट से आसगला वाई प्लस 2x है ना नहीं आउ एरिया कैसे गिवेन दे दीजिए पे ये ना 96 गिवेन दे तो 4x इंटू एल इंटु बी वाई प्लस 2x केते दे दीजिए पे ना 96 कनग्रुएंस अच्छी तो गोटे 6 रोचे 96 गोटे रे पे 96 × 6 के 16 तेरे जो 16 हूँ कह रैल्यू पे एक्स वाई कहीं आर एक्स आर वाई गोटे रेक्टांगल एरिया एक्स वाई हूँ कैसे 16 आउ एटा बड़ रेक्टांगल एरिया बर्तमान बाहर करी दैट इज योर 4xy प्लस पे 4x रे 8x² इज इक्वल टू 96 एक्सवाई वैल्यू 16 पुट कर 64 प्लस 8x² इज इक्वल टू 96 8x² 96 64 32 x² के 4 एक्स रैल्यू के 2 जदि एक्स 2 आसूसी 4 दिन ये 8 जदि एटी एक्स 2 आसे वाई रैल्यू कौटी गोटे ये गोटे अच्छे वाई रैल्यू के 8 हम ना नहीं वाई रैल्यू तो डेफिनेटली 8 आस y = 2x अच्छे किंबा ये देखनी जे 8 आस तो ये 8 प्लस 2 × 2 = 4 ये के 12 तो 12 × 8 के 20 तेल 12 गोटे 8 लेंथ ऑफ ब्रेथ 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 12 8 2 × 12 + 8
कोड़े दिन के चालीस डेफिनेट चालीस ही आसो तो यही टाइप पे आपको आज्यूम करने पड़ा कहीं प्रोसेस ही गोटे हिट एंड ट्रायल मेथड पे प्राक्ट कर 118 नंबर आंसर के पे ऑप्शन नंबर ए बर्तन जी आपने 119 नंबर क्वेश्चन देखनी है बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए यहाँ गोटे कन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक्चुअली आम एभिया क्वेश्चन कर रिगार्ड कॉड किंतु ये टिके अलग टाइप रे गिवेन दे दी बर्तन देख इन द गिवेन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ इज इक्वल टू सी डी फाइंड द मेजर ऑफ सी पी डी एंगल ये सी पी डी एंगल टा केते हो ए एंगल टा तुम पचार पे ओ ए इज इक्वल टू सी डी दे मैंने मुझे सब जॉइन करी ना यहाँ आसांग सामान तो यहाँ आसांग सामान मैंने यहाँ भी आसान सामान हम डेफिनेटली आसान सामान हम तो तीन टा जाक यहाँ भी आसा षाठी भी आसा षाठी भी आसा कैसे पे षाठी ए बाहू भी सामान यहाँ आसान सामान तो यदि कौन हो पे आगे देखनीय यहाँ आसान सामान यहाँ भी आसान सामान ए बाहू सामने सामान हम डेफिनेटली थार्ड आंगेल थार्ड सैड भी यहाँ देखनीय यहाँ मिसले ए दिटा मिसले भी कैसे आस 120 आसो तो बर्तन ए दिटा जो कनग्रुएन्स हो करेस्पिंग आंगेल भी कैसे आसो सेम आस तो ये सब जाक सेम आस तो ये भी षाठी यहाँ भी कैसे आसो जदि यहाँ षाठी एकोण के षाठी आउ एकोण के षाठी मन रख था यही सर्कल अच्छी एटा कॉर्ड अच्छी बुझे तो ये टाइप आंगेल जदि ये जी मुव करें दरकार ना जब कंग्रेस होती ये षाठी यहाँ गोटे षाठी तो ए पी बी ट्राइंगल यहाँ हूँ षाठी यहाँ भी कैसे आसा षाठी तो एकोणटा के ऑटोमेटिकली षाठी आसो तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी 119 नंबर आंसर जो मैंने डी क्लिक करेंगे डेफिनेटली एक मार्क एथे पाइबे तापर देखिए पहले लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर कन्सेप्चुअल क्वेश्चन टे देखा 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर टे कौन हम देख बढ़िया क्वेश्चन अच्छे तो ए बी सी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इन सेम ऑर्डर अच्छी पहले जहाँ नब से ऑर्डर अच्छी ए बी सी डी गोटे अच्छी मुझे क्वाड्रिलेटरल नहीं गली पहले मैं चित्र करदे सेमती माने ना जे यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ फिगर कि मुझे शो करने कहूँ ए बी सी डी ए कौनटा के पे 3x यहाँ 3x अच्छा मुझे भाल्यू बाहर कर दी कहूँ 7 × 10 = 16 = 20 तो 20x इज इक्वल टू कैसे हम पे 360 तो एक्स के आज पे 18 तो यहाँ कैसे आज 3x मैंने 18 × 54 आउट इरेज करदे ये है इरेजर हाँ तो बर्तमान देखे नहीं सॉरी बर्तमान देखे नहीं एक कैसे से देखे दूसरी 18 × 3 यहाँ आस 54 तपर 18 × 7 के 126 18 × 100 = 108 18 × 100 = 72 बर्तमान देख ए दिटा मिसले के 180 हो नहीं आउ ए दिटा मिसले भी कैसे होती पे 180 होती ए दिटा मिसले 180 होती हूँ ना मुझे कह क्या हूँ या जेहतु ए दिटा पारालाल अच्छा सम अफ इंटरनाल आंगेल अलरेडी के पे ना 180 जदि ये 180 होता मिसले तो ए दिटा भी कौन होता है पारालाल होता है कहना मोर आप्रोच आप्रोच कौन रोचे ना आईदर रम पारालोग्राम हम सेकेंड अप्सन रम्बस हो पार पारालोग्राम तो कहीं हम ही ना तो रम्बस ही यहाँ हम सरी ट्रापिजियम कि ट्रापिजियम ये रम्बस तो नुहे क्या सब जगह सैड सेम रहा दरकार तो बर्तमान देखने एक एसएस जेहतु ए दिटा जाक सेम रोचे तो एकोण एकोण मिसले के पे ना 180 तो ए दिटा पारालाल रोचान गोटे सैड गोटे जो चतुर्भुजर जेकोसी गोटे विपरीत जोड़ा पे सामान रोचान सामांतर रोचान मुझे कौन कहीपरि पे ट्रापिजियम रम्बस कहीं हमने भी कहीदे कहीं रम्बसर अपोजिट सैड गुड़ा कौन रही है पारालाल रही कि अपोजिट सैड गुड़ा पारालाल नुहे गोटे मात्र विपरीत जोड़ा पे सामान पारालाल होती तो ये अप्सन नंबर कौन आसो सी तो 120 नंबर अप्सन जो मैंने सी क्लिक करेंगे डेफिनेटली रईट आन्सर पाए तो ये सहित मुझे चाहिए जो ये अप्सन गुड़ी भल भाव पे देखी नियंतु जार जीटा ठीक अच्छे से काउंट कर नियंतु आउ थे भी कही रखुच्छी जदि आम जेटी आउ आर एस टी बी आस स्टार्ट होने आसिक जल्दी 5 तारीख पूर्व जॉइन कर नि थैंक यू अल वेलकम पे बर्तमान आम पाक अलरेडी पलि आसी मैथमेटिक्स पेडागोजी पे आंसर किज बर्तमान आम डिस्कस करने चाहिए मत जेहतु कहुई तेरे मुझे डिस्कस कर समस्त चेक कर निश्चित भाव में सो दैट समस्ते पे काल्कुलेट करेंगे 93 नंबर क्वेश्चन पे कौन अच्छे देख इट्स ए मैथ पेडागोजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्याजेट आट व्हिच पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए चाइल्ड स्टार्ट टू स्पीक और राइट द नंबर इन ए रिवर्स वे ए टू जेड पर्यटन लिखा जाती है जेड रु एपर्त के पे कौ ऑपरेशन पे देखा जे जो प्रिपेरेसन गिवेन देखिए पिला स्टार्ट करे यार 93 ऑप्शन पे के ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट ऑपरेशन जो मैंने पे ऑप्शन नंबर सी क्लिक करेंगे डेफिनेटली एक मार्क आंसर तर डेफिनेटली एक मार्क पाइबे ऑप्शन रे तो 93 नंबर क्वेश्चन आंसर के पे ना ऑप्शन नंबर सी बर्तमान जी पे 94 नंबर क्वेश्चन को 94 नंबर क्वेश्चन टे कौन गिवेन देखिए देखा 94 नंबर क्वेश्चन देखनी इन ए टीचिंग मैथमेटिक्स ये गोटे मैथमेटिकल पेड़ा हो इन टीचिंग मैथमेटिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए नॉन प्रोजेक्टेड एड्स ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स
तो देखि 94 नंबर क्वेश्चन रो पिले आंसर कौन आस डोमिनो जो मैंने पिले ऑप्शन डोमिनो क्लिक करथिबे 94 नंबर क्वेश्चन पई से माने डेफिनेटली एक मार्क पाइबे। तो 94 नंबर क्वेश्चन रो आंसर टी केते आस पिले ना ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि। बर्तमान देखिबे 97 नंबर क्वेश्चन एबे जेबे 97 नंबर को 97 लेख एटी कौन गिवन देछि हु सेड द ब्रेविटी इज द सोल ऑफ व्हीट ठीक अच्छे ब्रेविटी इज द सोल ऑफ व्हीट एटा मैथमेटिकल टर्म गोटे गिवेन दे दी। तो 97 नंबर रो पिले बर्तमान देखिने जो मैंने ऑप्शन डी क्लिक करथिबे इंग्लिश पोएट सेक्सपियर जो मैंने क्लिक करथिबे से मैंने डेफिनेटली गोटे राइट आंसर पाइबे। तो 97 नंबर क्वेश्चन रो आंसर केते आ जे पिले ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे समस्त चेक कर नियंतु। एबे देखिए पिले 98 नंबर रो आंसर 98 नंबर देख हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्ले टर्न द क्वीन ऑफ साइंसेस मैथमेटिक्स। तो मुझे चाहिए ये भल्ला डिस्कस करने 98 नंबर टा तो 98 नंबर पे आंसर कौन आस सेड द मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस दैट इज योर ऑप्शन नंबर के पे ना ऑप्शन नंबर बी जोटा कि कार्ल फ्रेडरिच ग्रॉस। तो समस्त देखि 98 नंबर ऑप्शन टी पे कौन आस 98 नंबर रो ऑप्शन केते आज पिले बी जो मैंने 98 नंबर रो ऑप्शन बी क्लिक करथिबे से मैंने निश्चित भाव में गोटे राइट आंसर पाइबे या पाई। तापर जे पिले 99 नंबर रो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द क्वेश्चन प्रपोज बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लास रे पिले कोटा पिले देख एटा टिके बड़ क्वेश्चन अछि प्रथमे दे दीची एटा गोटे तापर भी ऑप्शन गिवन दीची चारटा जो ऑप्शन गिवन दे दीची तादरो हम क्लिक करियर अछि कोटा होची राइट आंसर से अनुसार। तो देखि लेबा ए केसेस रे 99 नंबर रो आंसर पिले कौन आसीबो 99 नंबर रो आंसर देखि नियंतु आदर प्रपोज जो गिवन दे दीची ऑप्शन सी निश्चित भाव फास्ट थर्ड आर क्लोज एंडेड एंड फोर्थ बिट आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो फास्ट आउ थर्ड जो मैंने पिले देखिए फास्ट आउ थर्ड एटा क्लोज एंडेड रहइबो आउ फोर्थ बिटा कौन रहइजे पिले ओपन एंडेड जो मैंने ऑप्शन सी क्लिक करथिबे 99 नंबर रो क्वेश्चन पई डेफिनेटली दे विल गॉट ए राइट आंसर फॉर दिस वन। बर्तन जे पिले क्वेश्चन नंबर 107 आउ 108 को देख पिले 99 नाइन ऑप्शन कौन आस पिले सी राइट आंसर हो सी। बर्तमान जी 107-108 नंबर जोड़ा कि मैथमेटिकल पेडागोजी हम छाड़ी से गुट पलि आम पाक बर्तमान देखा पिले 107-108 देखनी ड्यूरींग द अब्जरवेशन ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन आसगे 107-108 एक डिस्कस करना दे ड्यूरींग द अब्जरवेशन व्हाट विल बी ड्यूरींग द अब्जरवेशन हुई ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिसाइड व्हेदर द लर्नर इज गिफ्टेड और नॉट। 107 नंबर रो ऑप्शन देखनी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस कही लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम एज वेल एज लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम क्या ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी डिसाइडेड। तो 107 नंबर ऑप्शन के पे डी जो मैंने ऑप्शन डी क्लिक करते हैं डेफिनेटली दे विल गॉट ए मार्क फॉर दिस वन। 108 नंबर क्वेश्चन देखने हु फास्ट इंट्रोड्यूस प्ले वे मेथड इन टीचिंग कौ पे किए प्रथम कौ मैथमेटिशियन से प्रथम प्ले वे मेथड पिले टीचिंग रे प्रथम पिले अप्लाई करते 108 नंबर क्वेश्चन बर्तमान 108 नंबर हेनरी कार्डवेल कुक तो एच सी कुक जो मैंने ऑप्शन क्लिक करथिबे डेफिनेटली 108 नंबर रो ऑप्शन पिले केते आसीबो ना ए। बर्तमान देखिए पिले एबे जीवा 115-116 लास्ट जो दुईटा आम छाड़ी पिले 115 आउ पिले कौटे ना 116 बर्तमान देखि ना 115 नंबर क्वेश्चन देखनी व्हिच मेथड स्टार्ट अननोन टू रिच पिले दे दीजिए 8 नोन फैक्ट 115 नंबर ऑप्शन पिले आसो सिंथेसिस समस्त देखनी ऑप्शन नंबर डी जो मैंने 115 नंबर ऑप्शन डी क्लिक करते डेफिनेटली दे गोटे मार्क फॉर दिस वन। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड ए जनरल रूल विदाउट एनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स इट इज ए लिमिटेशन ऑफ व्हिच मेथड पिले डिडक्टिव मेथड समस्त 116 नंबर ऑप्शन पिले डिडक्टिव मारिया दरकार इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिसिस सिंथेसिस आदर क्वेश्चन पिले आसे ए जो पेडागोजी मैथमेटिक पे जाए समस्त पिले ऑप्शन क्लिक करेंगे कहते ऑप्शन नंबर बी 116 नंबर रो ऑप्शन केते आसीबे पिले बी। मुझ चाहिए समस्त पिले चेक कर नियंतु आ देखी नियंतु केतरा क्वेश्चन पिले ठीक अच्छे आउ पढ़ापट पढ़ाई आसतु पिले 5 तारीख पूर्व आम जो जेटी आर एस टी बैच स्टार्ट होती मुझ चाहिए समस्त पिले ए फंडामेंटल बैच रे जॉइन करूँ सो दैट समस्त गोटे गोटे टीचर ही सिलेक्ट हूँ। थैंक यू ऑल पिले बर्तमान देखा कि क्वेश्चन भी रही जाइए 91 नंबर रू क्वेश्चन 91 पिले देखिए कौन क्वेश्चन टी देती इफ द आंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन मैंने जार साइड आउ आंगल दुई जगह पिले कौन थी सेम थी इंटरनल आंगल के 165 तारे नंबर ऑफ साइड केमती पाइबे पिले ना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटेरियर आंगल फॉर्मूला हो कौन ना ईच एक्सटेरियर
डिस्प्ले अलरेडी कही इच एक्सटेरियर आंगेल। तो बर्तमान देख इंटरनाल आंगेल के 165 एक्सटर्नाल आंगेल को कौन करी 180 माइनस कर इंटरनाल प्लस एक्सटर्नाल के 180 तो 180 65 माइनस कले 15 तो आंसर मस्ट भी 360 डिवाइडेड बाय 15 केते आज बोले 15 दिन 30 तो 24 तो आंसर मस्ट भी केते आज बोले 24 तो केते साइड रहिबो पले ना 24 टा साइड डेफिनेटली रहिबो। क्वेश्चन नंबर 91 नो ऑप्शन केते आज बोले बी समस्त ऑप्शन बी को क्लिक कर रखिबे। बर्तमान देखते पे 92 नंबर क्वेश्चन देख 92 नंबर रे बढ़िया क्वेश्चन अच्छी दे सॉलिड एटा पले 3D क्वेश्चन दे सॉलिड हेमिस्फीयर टिके स्लो होची पले सॉलिड स्फेरिकल बॉल प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग ए कोन एंड ए सिलिंडर हैविंग द सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इक्वल्स टू आर माने हाइट भी सेम रहिबो ता सहित साइड भी सेम रहिबो ता सहित भी पले रेडियस भी सेम रहिबो सेर वैल्यू होची केते ना आर ही रहिबो ठीक अछि। तो बर्तमान देखिनबा जे एही केसेस रे जे केमती वैल्यूटा बाहर करा जाय परिबो एक केसेस रे केमती वैल्यू बाहर कर दे पर देखनी जे गिवन दे देची तो गोटे स्फेरिकल बॉल अछि स्फेरिकल के 4/3 पाई आर क्यू ना नाही हां ना नाही यार वॉल्यूम जेती के बजे तिया हिछ ना जो मेल्टिंग करी की कोन रो वॉल्यूम केते आछि पले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ता सहित सिलिंडर पले केते आछि ना ओनली पाई आर स्क्वायर एच। तो एबे देखनी याकू जदि पाई आर स्क्वायर एच कॉमन नै जीबी ठीक अच्छे यार रेडियस टा प्लस स्मॉल आर बोले माने ना यार रेडियस टा किसी भी हो पाए कि यदि रेडियस सेम हाइट भी सेम आर वैल्यू चार पायर स्क्वायर कॉमन नहीं जाए तो कैसे आज पे ना 1/3 प्लस पे कैसे आज वन हाँ ना नहीं ए देख पाए पाए कैनसल होगा ये आर कल यहाँ 4/3 यहाँ यहाँ भी कैनसल हो तो आर क्यू इज इक्वल टू पे कैसे आज आर स्क्वायर एच रे एच रैल्यू भी कैसे आसो आर ना नहीं स्मॉल आर देदी तेल ये कैसे आज आर क्यू तो आर रैल्यू कैसे आज ना आर रेडियस ऑफ द स्फीयर पचास रेडियस ऑफ द स्फीयर मस्ट भी कैसे आज स्मॉल आर ठीक अच्छे पे 92 नंबर बर्तमान 93 नंबर पे एगुड़ा तो आम अलरेडी डिस्कस कर दे कौरे आम पे अलरेडी डिस्कस कर दे पे मैथमेटिकल पेडागोजी आउ किसी क्वेश्चन रही जाता है यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय पे दे दी व्हेन डिवाइडेड बाय 5 टे स्लो हो पे 5, 6, 7, 5, 7, 9 देन गिवस ए रिमाइंडर एति तो पे यहाँ को ऑप्शन थ्रु रू पलेब इट्स बेटर हम 93 रे जब 5 को कैनसल करी 18, 95 बड़ी पड़ी कहते ठीक अच्छे तीन रिमाइंडर आसना 7 रे कैनसल कले 1391 बड़ी पड़ी 2 कि रिमाइंडर के 7 डिवाइड कल 6 आसो तो ये कटिला ये हम 85 नि 17, 85 एक बेले कैनसल हो रिमाइंडर किसी बड़ी बही ना ये कही लिवस द रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली देच पुनी तो 85 भी हम ना बर्तमान देख 83 रु 5 रे काटिले 16, 85 बड़ी पड़ा 3 7 रे कैनसल करी जदि 11, 7, 77 हेल्ले 83 रु 77 माइनस हेल्ले केते आसिबो 6 एटी 6 अछि 9 रे कैनसल करे 9, 9, 81 बड़ी पड़ा केते 83 रु 2 रिमाइंडर केते आसिबो 2 तो ऑप्शन नंबर सी 85 नंबर रो ऑप्शन नंबर सी जो माने क्लिक करथिबे डेफिनेटली से माने गोटे मार्क पाइबे 85, 95 नंबर सॉरी 95 नंबर 95 नंबर आंसर केते आसिबो प्लस सी। बर्तमान देखो 96 नंबर 2^48 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स तो ये जो पार्टा गिवेन दे पे 2^48 माइनस 1 पे मुझे रखी ये x^m माइनस a^m फर्माट रे अच्छी से ही फर्माट रे क्वेश्चन डे। तो बर्तमान देख या कोई टाइप रखे जे जदि यहाँ को पे मुझे 2^3 तुम 2^3 कहीं 2^2 कहीं 2^2 ने पे 3 यदि 3 डाटा था 2^3 मुझे नहीं था 2^2 तेल 4-1 3 आस 2^3 करदे के 16 एटा के 1 तेल के 8^8 लिखिपर 8^16 1 तेल 1^16 मन रखा x^m माइनस a^m डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए फर अल वैल्यूज तेल ये सब बेले 8-1 डिविजिबल हम ना नहीं 7 डिविजिबल हम हाँ ना नहीं 7 एटी भी अच्छी अच्छे तापर जब एम टा पे इवेन हो डेफिनेटली ये कौन थे पे डिविजुअल हो एक्स प्लस ए रे भी डिविजुअल हो बर्तमान देख एम टा कौन अच्छी 16 इवेन नंबर अच्छे ना तो डेफिनेटली कौन थे डिविजुअल हम 8+x 9 ने भी डिविजुअल हम तो कौन थे हम 96 नंबर ऑप्शन भी कैसे आज प्ले सी जो जो पिलाने पे ओटीटी एग्जाम देखते चेक कर निप्सन गुड़ा 96 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन कैसे आज प्ले सी बर्तमान आउपर जहाँ रही जाइए आम अलरेडी डिस्कस कर नहींचे ये सब पार्ट गुड़ा डिस्कस कर नहींचे पे एबे 101 तो आम अलरेडी डिस्कस करचे तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।